तू चो सज्जन मैडिया डेई सिस उतार, नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु खालसा, गुरु रूप। प्यारी साजी और नवाजी साध संगत जीओ, गुरु अमरदास निमाणिया दे माण सतगुरु, नेताणिया दे ताण सतगुरु, नेओटिया दे ओट सतगुरु, ने आसरिया दा आसरा सतगुरु, जिन्हां नूं धन गुरु अंगद दे महाराज सच्चे पातशाह जी ने 12 बख्शिशां दे के नवाजिया है। ओ ये 12 बख्शिशां हन। सो ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह जी दे इतिहास विचों कुछ सूखम ते कुछ अस्थूल, कहण तों भाव कुछ छोटियां कुछ वड्डियां साखियां आप जी नाल सांझियां करदे आ रहे हाँ। आओ, आप जी ने मन बिरतियां नूं कागर करना है। गुरु पातशाह जी दे सिखां दा, गुरु पातशाह जी दा, गुरु पातशाह जी दे दर घर दी शोभा आपां रल मिल के करनी है ते सरवण करनी है, अपने हिरदियां दे विच प्रेम जगाउणा है। भाई पारो जुलका जी, गुरु जी वेले 72 सिख होए हन। दीपा, मालू, शाही, केदारी आदि, इन्हां सब दा उधार श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने किया है। गुरु जी की कृपा नाल इन्हां नूं आत्म ज्ञान मिलिया सी। भाई पारो जुलका डल्ले ग्राम दे वासी सन, जो कि सुल्तानपुर के नेड़े जिला कपूरथला दे विच है। ये अति प्रेम रंग विच रंगे हुए सन। इन्हां ने गुरु जी की बड़ी महिमा उपमा सुनी सी। एक वारी ये गुरु जी पास आए, शरदा नाल नमस्कार करके कोल बैठ गए। अंतरगत वैराग दा दरिया चल पिया। गुरु जी जो घट घट दे जाननहार हन, सब कुछ जान गए ते पारो जुलका दा नाम परमहंस रख दिता ते ब्रह्म प्रकाश कर दिता। हुण परमहंस जी नूं सब एक रूप लगते हैं। आप गुरु जी दी शरण विच आउंदे हन ते गुरु जी ने आप जी नूं रिद्धियां सिद्धियां बख्श दित्तियां। गुरु जी ते बहुत शरदा प्रतीत अते भरोसा हो गया है। आप कदे घर चले जाते फिर आ जाते हैं, पर हुण घर विच टिकिया नहीं जाता है। हर वेले दिल विच दर्शनां दी तांग लगी रहिंदी है। भाई पारो जी एक दिन घोड़ी ते चढ़ के आ रहे सन कि राह विच दिल्ली दा नवाब मिल पिया। भाई पारो जी ने किरपा वाली निगाह नाल उन्हां वल वेख्या। नवाब ने हाथ जोड़ के भाई पारो जी नूं पुछया, आप जी दा नाम की है? आप जी कित्थों आए हो? आप कित्थे जा रहे हो? भाई पारो जी ने कहा, मेरा नाम पारो है ते मैं गुरु जी दे धन गुरु अमरदास महाराज जी दे दर्शनां नूं जा रहा हाँ। यह सुन के नवाब दे हिरदे विच सिदक तांग भरोसा जाग उठ पिया। भाई पारो जी तो पुछया, आप जी दे पीर गुरु कित्थे रहिंदे हन? धन ओह गुरु जी हन जिन्हां दे पास आप जांदे हो। भाई पारो जी पूरन कमाई वाले महापुरख सन, कोई भेदभाव नहीं, सब नूं एक रूप देखदे हन। नवाब नूं कहा, जेकर गुरु जी दे दर्शन करने हन तां केवल आप ही मेरे नाल चलो। अपने बेटे नूं सारी गल समझा दित्ती ते आप नवाब भाई पारो जी नाल श्री गुरु अमरदास साहिब जी दे दर्शनां वास्ते चल पे। नवाब ने ते भाई पारो जी ने गुरु जी नूं बहुत सत्कार नाल वंदना पहुँच के नमस्कार कीती ते बैठ गए हन। भाई पारो जी दी धन धन हो रही है। आप तां नज़र लै ही रहे सन, आप तां आनंद ही आनंद विच हन, पर आप
दूसरों का जीवन भी सफला कर रहे हैं। भाई पारो जी ने सारी गल सुना दिती किस तरह यह नवाब राह विच मिल गए ते आप जी दे दर्शन करके अपना जीवन सफला करना चाहते हैं। सतगुरु जी धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने दया दृष्टि नाल वेख्या ते नवाब का जन्म मरण कट दिता। गुरु जी के दर्शन करके नवाब गदगद हो गया। फिर कई दिन गुरु जी पास रहा। संत दे दर्शन करके जिमें पारस सोना बन जाता है, मिट्टी सोना बन जाती है, उस तरह नवाब परमानंद अवस्था विच भाई पारो जी नाल विदा होके जा रहे हैं। देखो किस विधि नाल नवाब दे हिरदे विच भाई पारो जी ने भगती जगा दिती है। असी हर एक नू कोशिश करनी है जोड़न दी, तोड़निया नहीं है। पातशाह महापुरख दसिया करते हैं कि जोड़न जिड्डा पुन नहीं, तोड़न जिड्डा पाप नहीं। कदे भी किसी नू तोड़ियो ना, किसी का दिल ना दुखायो। कोई शरदा भावना नाल जुड़िया है उसनू जुड़ लैन दिओ। हौली हौली स्टैप बाई स्टैप एक दिन ऐसा आवेगा वो जुड़द्या जुड़द्या रंग लागत 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 है वाली अवस्था में चले जाएगा। परम भागत 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 है वाली इस अवस्था में चले जाएगा। भुला ना चितारनिया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।